झांसी में पानी की बहुत बड़ी एक समस्या है, हमेशा से मांग उठती रही है। जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी नेता हैं, तरह तरह के दावा तरह तरह के दावे करते रहे हैं उसको पूरा करने के, लेकिन एक मतदाता किस तरीके से वोट डालने आए हैं, अपनी बात भी उन्होंने वोट भी डाला है और अपनी बात भी कही है, और इस पर लिखा है आज का सातवां दिन पानी नहीं आया फिर भी मतदान किया। क्या कहना चाहते हैं आप इस स्लोगन के जरिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूं कि इधर के अधिकारी, जल निगम और जल संस्थान के अधिकारी इतने लापरवाह हैं, इतने गैर जिम्मेदार हैं। मतलब मुद्दा आपका, मुद्दा मेरे यहां पानी नहीं है सात दिन से, और मेरे यहां क्या पूरे एक इलाके में पानी नहीं है जो कि झांसी का पौश इलाका कहलाता है, इलाहाबाद बैंक चौराहा, वहां पर पानी नहीं है, और जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के बीच की लड़ाई में वहां पानी नहीं है। आप गृहिणी हैं, पानी की समस्या कितनी ज़्यादा, ये क्या क्षणिक समस्या है या परमानेंट इशू है, या आप पानी के अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं आपके एज ए वोटर? पानी का ही मेन है, दो दिन से नहाए नहीं है, घर का काम नहीं हो रहा है, बस खाना ही बनता है, जो ज़रूरी है वो तो बच्चों के लिए स्कूल जा रहे हैं, सारा काम रुका हुआ है। तो क्या चाहते हैं आप लोग, कैसे एड्रेस होगा, कैसे समस्या ये दूर होगी? ये तो समस्या आप ही लोगों के द्वारा अगर इसको ढंग से आप मंच पर रख देंगे तो मेरे हिसाब से। वैसे झांसी का और लोकल इश्यूज क्या क्या हैं जो आप लोगों को लगता है कि जिसपे कि आपने वोट डाला है? नहीं, झांसी का लोकल इशू ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं सरकार के खिलाफ हूँ या सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ जगहों पर इन अधिकारी सरकार को बदनाम करने के लिए इन अधिकारियों ने ये षड्यंत्र रचा हुआ है, और वो भी चुनाव के समय में, वो अगर हम लोग जागरूक ना हो तो हम लोग मतदान करने नहीं आते, लेकिन हम लोग मतदान करने आए जिससे कि हम ये बता पाएं आगे जाके। तो अपनी बात अपने तरीके से उन्होंने रखी है, झांसी के एक मतदाता है, पानी की समस्या को लेकर के इनकी अपनी एक मांग है, एक मुद्दा है, और इन्होंने आ रखी, हालांकि फिर भी इन्होंने वोट दिया है, लेकिन अपनी समस्या को बताते हुए। प्रशांत देव, न्यूज 24, झांसी।